और वहीं पीएम नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया, जहां मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि हमारे देश में जहाँ एक ओर न्यायपालिका की भूमिका संविधान संरक्षक की है, तो वहीं दूसरी ओर विधायिका जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। और मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि संविधान की इन दो धाराओं का ये संगम, ये संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था का रोडमैप तैयार करेगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान ये भी कहा कि साल 2047 तक जब देश अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, तब हम देश में कैसी न्याय व्यवस्था देखना चाहेंगे, हम किस तरह अपनी न्यायिक व्यवस्था को इतना समर्थ बनाएं कि वो 2047 के भारत की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, उन पर खरा उतर सके, ये प्रश्न आज हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। दरअसल ये कार्यक्रम में, आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू और साथ ही साथ इनके अलावा 25 राज्यों के हाईकोर्ट के जज और मुख्यमंत्रियों समेत तमाम मंत्री शामिल रहे। इनमें से जो केंद्र के कानून थे, साथियों, हमारे देश में आज भी हाईकोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही इंग्लिश में होती है। और मुझे अच्छा लगा सीजीआई ने स्वयं ने इस विषय को स्पर्श किया, तो कल अखबारों को पॉजिटिव खबर का अवसर तो मिलेगा अगर उठा ले तो। साथ ही एक बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फैसलों तक को समझना मुश्किल होता है। हमें इस व्यवस्था को सरल और आम जनता के लिए ग्राह्य बनाने की जरूरत है। हमें कोर्ट्स में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा। 2047 में जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब हम देश में कैसी न्याय व्यवस्था देखना चाहेंगे, हम किस तरह अपने जुडिशियल सिस्टम को इतना समर्थ बनाएं कि वो 2047 के भारत की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, उन पर खरा उतर सके, ये प्रश्न आज हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। अमृतकाल में हमारा विजन एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें न्याय सुलभ हो, न्याय त्वरित हो और न्याय सबके लिए हो। साथियों, देश में न्याय की देरी को कम करने के लिए सरकार अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है। हम जुडिशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश चल रही है, केस मैनेजमेंट के लिए आईसीटी के इस्तेमाल की शुरुआत भी की गई है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक वैकेंसीज को भरने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। साथ ही जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी देश में व्यापक काम हो रहा है। इसमें राज्यों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, न्यायमूलम सुराजम स्यात्, अर्थात किसी भी देश में सुराज का आधार न्याय होता है। इसलिए न्याय जनता से जुड़ा होना चाहिए, जनता की भाषा में होना चाहिए। जब तक न्याय के आधार को सामान्य मानवीय नहीं समझता, उसके लिए न्याय और राजकीय आदेश में बहुत फर्क नहीं होता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे देश में भी कानून एक पूरी तरह लीगल टर्मिनोलॉजी हो, लेकिन साथ साथ वही बात सामान्य व्यक्ति की समझ में आए उस भाषा में, और वो भी दोनों एक साथ
असेंबली में या पार्लियामेंट में पारित हो, ताकि आगे चल करके सामान्य मानवी उसके आधार पर अपनी बात रख सकता है। हमारे देश में जहां एक और जुडिशरी की भूमिका संविधान संरक्षक की है, वहीं लेजिस्लेचर नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे विश्वास है कि संविधान की इन दो धाराओं का ये संगम, ये संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था का रोडमैप तैयार करेगा। मैं आप सभी को इस आयोजन के लिए हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे देश में आज भी, और फिलहाल यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। और स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। ब्रेक के बाद रुक करते हैं दिल्ली लाइव बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। दक्षिणी दिल्ली इलाके के तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के विश्वकर्मा कॉलोनी में मौजूद विश्वकर्मा मंदिर में डीडीए की तरफ से पीएम उदय योजना के तहत एक कैंप लगाया गया, जिसमें आज दक्षिण दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी पहुंचे और उन्होंने एक महिला को पक्की मकान की रजिस्ट्री प्रदान की। वहीं महिला रजिस्ट्री पाकर काफ़ी उत्साहित हुई, खुश हुई। उसने ये कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका अवैध घर पूर्ण रूप से वैध हो सकेगा। उन्हें काफ़ी खुशी है। इसके लिए उन्होंने जो सरकारी फीस दी थी उसे दिया और उसके बाद उनके पक्के डॉक्यूमेंट्स उन्हें सांसद रमेश बिधूड़ी ने प्रदान किए। आपको बताते चले कि दक्षिणी दिल्ली के बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने ये जानकारी दी और बताया कि जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था कि गरीब लोगों का अपना खुद का मकान हो, घर हो और गरीब पर अपना मकान हो, वह सपना पूरा होता नजर आ रहा है और इसको लेकर उन्होंने दिल्ली सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन केंद्र की सरकार लगातार लोगों के हितों में काम कर रही है और आज यहां पर जो अनधिकृत कॉलोनी थी वहां पर लोग रह रहे थे, उनको रजिस्ट्रेशन के लिए डीडीए की तरफ से कैंप लगाया गया है और भी आगे सरकार की तरफ से अलग अलग संगम विहार देवली जैसे अन्य इलाकों में भी डीडीए की तरफ से प्रधानमंत्री उज्जवल योजना कैंप लगाए जाएंगे। ये कैंप जब तक लोगों की डिमांड रहेगी, रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाएगा तब तक चलेगा। इस कैंप में लगाने में लोगों को कुछ शिकायतें थी कि हम अधिकारियों के पास जाते हैं, हमारी बात सुनते नहीं है, वहां पर उल्टा सीधा बोलते हैं, बीच में दलाल घुस जाते हैं, दलाल परेशान करते हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से, हरदीप पुरी जी से, वाइस चेयरमैन डीडीए से इस बात की जब चर्चा हुई, उन्होंने कहा हम एरिया में ही कैंप लगाएंगे जाकर, वहीं लोग बताएं, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, तो लोगों की सहूलियत के लिए कि लोग अपने मकानों के मालिक बन जाएं। 30 साल से लोग धक्के खा रहे थे दिल्ली में, जिन्होंने खून पसीने की कमाई से अपने आशियाने बनाए थे कि हम इनके मालिक कब बनेंगे। कभी किसी सरकारों ने चिंता नहीं की, इस राज्य सरकार ने भी इसकी चिंता नहीं की केजरीवाल ने 4 साल तक लगातार। तो प्रधानमंत्री जी लोकसभा के अंदर बिल लाकर और कानून बनाकर लोगों को, गरीबों को, उनके परिवारों के, उनके घरों का मालिक बनाना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं 2024 से पहले पहले इस देश में एक भी व्यक्ति ना हो जिसके पास अपना मकान ना हो, घर ना हो। तकरीबन काफ़ी दिनों से आज थी और जो मोदी जी ने कहा था कि हम अनगित कॉलोनियों को पास करेंगे और उनकी रजिस्ट्री कराएंगे, हमें बहुत खुशी हुई है कि आज हमारी रजिस्ट्री हमें मिली है। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ? हम विश्वकर्मा कॉलोनी नई दिल्ली। ये 150 गज का मकान है हमारा, 3 मंजिल मकान है और जो इसमें सरकारी फीस जमा हुई है वही जमा हुई है, उसके बाद में हमारा एक भी पैसा नहीं लगा। कितने फीस लगी? हमारी करीबन 1,22,000 रुपये फीस लगी है, नंबर एक। कितना खुशी है हमें बहुत। हाँ। मोदी जी ने जो किया था कि अनऑथराइज कॉलोनी में हम रह रहे थे कि हमें पहली बार मालकाना हक मिला है और अब हमें लग रहा है कि हम अपने घर के अंदर हैं।
और वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक इनामी बदमाश को मौके से धर दबोचा। दरअसल स्पेशल सेल के डीसीपी राजीव रंजन के मुताबिक पकड़े गए बदमाश की पहचान दिनेश ढिल्लू के रूप में हुई है और आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद कर ली गई है। आपको ये भी जानकारी दें कि दिनेश एक राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी है और उसने साल 2021 में अपनी पत्नी की भी हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद हरियाणा पुलिस की तरफ से दिनेश पर इनाम घोषित किया गया। डीसीपी राजीव रंजन के अनुसार दिनेश खूंखार अंतर्राज्यीय कुख्यात गैंगस्टर कौशल और नवीन बाली के गैंग के साथ जुड़ा हुआ है और जेल से आदेश मिलने पर आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था। तो एक इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जो आरोपी है उसके पास से एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। स्पेशल सेल को ये बड़ी कामयाबी मिली है, एक इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है जो कि कबड्डी का खिलाड़ी भी है और उसने अपनी पत्नी की हत्या की वारदात को भी अंजाम दिया था और अब जेल में बंद जो आरोपी हैं उनकी जो कमांड है उसके आधार पर वो बाकी वारदातों को अंजाम देता है। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ दिल्ली लाइव में बस इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।